नमस्कार साथियों, एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज द्विघात समीकरण का नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे। प्रीवियस टू वीडियो अपनों ने अपलोड किए हैं, उनमें कुछ बेसिक कंसेप्ट, कुछ कंडीशंस अपनों ने सीखी थी, आज कुछ उससे ज़्यादा सीखे। आई होप कि लास्ट जो टू वीडियो आपको पसंद आए होंगे। अगर किसी भी तरह की कहीं दिक्कत या प्रॉब्लम आपको आती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो स्टार्ट करें। आज जो पाठ हम करने वाले हैं द्विघात समीकरण, इसमें कुछ फॉर्मूलाज मान लीजिए आप, या कंडीशन मान लीजिए, रूट के बारे में, कॉमन रूट्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि भी इसके अंदर अपने को टू इक्वेशन दी होगी। कितनी इक्वेशन दी होगी? टू इक्वेशन दी होगी अपने को, दो समीकरण अपने को देगा और उसमें बोलेगा कि एक मूल उभयनिष्ठ है, यानी एक यानी कॉमन रूट उभयनिष्ठ है और अदरवाइज दो मूल उभयनिष्ठ होंगे, तो उसमें क्या कंडीशन रहेगी वो देखो आप। तो सबसे पहले हम दो इक्वेशन यहां लिखेंगे कि पहले कि a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस में c इक्वल में 0, ये पहली इक्वेशन हो गई। और सेकंड इक्वेशन होगी a2 एक्स स्क्वायर प्लस में b2 एक्स प्लस में C2 बराबर 0, ये सेकंड इक्वेशन होगी। आपको जब कॉमन रूट की बात आएगी तब आपको टू इक्वेशन देगा हमेशा ही। सिंगल इक्वेशन के अंदर कॉमन रूट की बात नहीं हो सकती, सिर्फ दो इक्वेशन आपको देगा तभी हम रूट कॉमन रूट की बात करेंगे। यह दो इक्वेशन आपको इस तरह से मिलेंगी a1 x square plus b1 x plus c1 equal में 0, a2 x square plus b2 x plus c2 बराबर में 0। अब देखो पहली कंडीशन क्या आती है, पहली कंडीशन आती है एक मूल उभयनिष्ठ हो, एक मूल उभयनिष्ठ हो। देखो इसमें क्या होगा, जब एक मूल कॉमन होगा तब क्या होगा, देखो मूल हम मानेंगे अल्फा, क्या मानेंगे, अल्फा स्क्वायर अल्फा इस तरह से मानेंगे। आपने ये क्वेश्चंस सेकेंडरी लेवल के अंदर किए होंगे, तो सीधा सीधा करने का तरीका देखो, अल्फा स्क्वायर और इक्वल लगा के यहां अल्फा लिखोगे और दूसरा लिखोगे 1, ठीक है, इस तरह से आपने किए होंगे, अच्छे तरीके से आपको याद भी आ रहे होंगे। अल्फा स्क्वायर मूल अल्फा और सिंगल पद अचर, तीनों के बीच में इक्वल का सिंबल मैंने लगा दिया है। अब देखो जब अल्फा स्क्वायर के बारे में हम लिखेंगे नीचे जो चीज आएगी, तो देखो अल्फा स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, तो इस वाले पार्ट को हम छोड़ देंगे, इस वाले पार्ट को छोड़ दिया, जो बाकी बच गया उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। देखो b1 का c2 से करोगे और c1 का b2 से करोगे, ठीक है, तो इसमें लिखेंगे अल्फा स्क्वायर वाला छोड़ दो, तो b1 c2 और माइनस का सिंबल लगाओगे और b2 c1। पहली बात आगे क्लियर कि जब अल्फा स्क्वायर की बात होगी तब मैं इस वाले पार्ट को छोड़ दूंगा, यानी एक्स स्क्वायर वाले पार्ट को छोड़ूंगा, बाकी जो बच गए उनका क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। आई बात समझ में? अब अल्फा की बात आती है, इसका मतलब एक्स की बात हम करेंगे, तो सिर्फ एक्स को हम छोड़ देंगे, यहां पर क्या कर देंगे, एक्स को छोड़ देंगे, जो बच गए a1 वाले इधर और c1 वाले, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखोगे इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस रहेगा, पहले वाले कंडीशन मैंने इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई पहले ये किया था उसके बाद में ये किया था, ठीक है ना। अब इस कंडीशन में जब अल्फा की बात आएगी तो हमेशा इस वाले का उल्टा करेंगे, कैसे, पहले हम a2 c1 करेंगे, क्या करेंगे, a2 c1 करेंगे और माइनस का निशान फिर ये करेंगे a1 c2, ठीक है, बाकी सेम ये किया था उसी तरीके से हम इसको करेंगे। जब इस वाले की बात आएगी तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पहले इस वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को। अब सिंगल की बात आगे, तो यानी c1 आ गया, c1 को छोड़ दो आप, बाकी जो बच गए उनको करो। अब वापस a1 b2 माइनस का सिंबल और a2 b1, बात आ गई होगी आपके समझ में, ठीक है, आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर की होंगी अच्छे तरीके से। अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 तीनों के बीच में इक्वल का सिंबल है, अल्फा स्क्वायर जब निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर वाले पार्ट को हम छोड़ेंगे, इस वाले का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को साथ में नहीं लेना है, ठीक है ना, वेरिएबल नहीं लेना है, सिर्फ डिजिट वाले लेने हैं, अल्फा को लेंगे जब एक्स वाला छोड़ देंगे, बाकी दो का क्रॉस मल्टीप्लाई, जब 1 यानी अचर पद लेंगे तब हम इसको सी वाले को छोड़ेंगे, बाकी जो बच गया वो हम कर देंगे, ये आ गया।
अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि भाई इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को मल्टीप्लाई में लिख दीजिएगा। आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई में लिख दीजिएगा, तो a1 b2 माइनस a2 b1 और ये वाला पार्ट b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल में जो ये वाला पार्ट आप लिख दीजिएगा a2 c1 और a1 c2 और इसका होल स्क्वायर आप कर दीजिएगा। ये आपका फॉर्मूला बन के आ गया। जब एक मूल उभयनिष्ठ हो, क्वेश्चंस हम करेंगे इसके ऊपर, पहले हम कंडीशन जो है वो पढ़ेंगे। देखो सीधा सीधे बात है, ये कहां से आया ये बताया मैंने, ये आपको निकालना है एग्जाम में, सिर्फ आपको ये याद रखना है वहां पर, ठीक है। याद नहीं भी रहेगा तो आप निकालना भी सीख सकते हो, कुछ नहीं करना है। जब ये निकाल ले तो लास्ट पर पहले वाले को मल्टीप्लाई में इक्वल में ये लिख दिया, सीक्वेंस आ गया। ये अपना एक तरीके से फॉर्मूला यहां बन गया है। क्वेश्चन में हम कैसे अप्लाई करेंगे उसके बाद हम सीखेंगे, क्वेश्चन जब करेंगे। तो पहली कंडीशन थी जब एक मूल उभयनिष्ठ हो, तो a1 b2 a2 b1 और b1 c2 b2 c1 और a2 c1 a1 c2, ठीक है। सब में माइनस का सिंबल है, ध्यान रखना इस बात को, प्लस का भी नहीं आएगा। ये थी जब एक मूल उभयनिष्ठ। जब दो मूल उभयनिष्ठ की बात आ गई तब क्या कंडीशन होगी वो देखिए, साथ साथ नोट भी करते रहिएगा। यही इक्वेशन हम लेंगे, और जब दो मूल सेकंड प्रॉपर्टी क्या आएगी, जब दो कॉमन रूट होंगे या दो मूल उभयनिष्ठ होंगे, उभयनिष्ठ होंगे। सिंपल सा फॉर्मेट है, इसके अंदर कुछ नहीं करना आपको, कंडीशंस ध्यान रखनी है। a1 बट्टा में a2 अपॉन इक्वल में b1 अपॉन में b2 और इक्वल में c1 अपॉन में c2, ये कंडीशन इसके अंदर रहेगी, बस आपको ये याद रखनी है, ठीक है। देखो दो मूल थे उभयनिष्ठ होंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण है, दो ही वैल्यू आएंगी, दो ही मूल की बात आएंगी, दो ही मूल कॉमन आ सकते हैं, ठीक है। तो दो मूल उभयनिष्ठ होगा तो क्या होगा, a1 a2 इक्वल में b1 b2 इक्वल में c1 c2। आगे बात समझ में। अब क्वेश्चन देखते हैं इस कंडीशन में कैसे होगा, और ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन। रिलेशन के ऊपर बार बार कह रहा हूं, रिलेशन जो भी प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड रहेगा मैक्सिमम क्वेश्चन का जो पार्ट आएगा, आप उसे ध्यान से कीजिएगा। चलिए फिर क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर कैसे होता है। तो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि P के किस मान के लिए एक मूल उभयनिष्ठ है, अपने को दो इक्वेशन दे रखी है, यानी P की वैल्यू, यहां से अपने को P की वैल्यू निकालनी है। देखो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे, दोनों तरीकों में आपको बताऊंगा, जो आपको पसंद है वो कीजिएगा, ठीक है। तो जब एक मूल उभयनिष्ठ हो उसकी कंडीशन अपनों ने अभी पढ़ी थी ना, अभी पढ़ी थी दोनों कंडीशन। तो देखो हम पहले वो अभी प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी वो हम करेंगे। क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, देखो जब एक मूल उभयनिष्ठ हो तो क्या प्रॉपर्टी उन्होंने लागू की थी वो लिखोगे, यानी यही लागू की थी कि भी अल्फा स्क्वायर वाला जो मैटर था उसको मल्टीप्लाई किया था c1 वाले मैटर से, यही किया था ना। चलिए फिर हम लिखते हैं इस चीज को, यानी अगर आप दोबारा इसको करना चाहते हो तो इस तरह से कर लीजिएगा, यानी अल्फा स्क्वायर अपॉन में क्या था और अल्फा और इक्वल में 1। अगर किसी को याद नहीं है तो आप निकाल लीजिए सीधा सीधा, अब अल्फा स्क्वायर वाले भी इसको छोड़ देंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया भाई 2p, माइनस में कितना आ गया, माइनस साथ में आएगा, अब इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ गया भाई 3, और माइनस में 7 का है तो यहां प्लस आ गया 3। अब देखोगे आप अल्फा वाला मैटर इसको छोड़ूंगा मैं, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आ गया, और माइनस का इससे करूंगा तो 2 आ गया, ठीक है। अब 1 वाले को मल्टीप्लाई करना है तो c वाले को पार्ट को छोड़ दीजिए, बाकी जो बच गया तो -3 आ गया, और माइनस का सिंबल आ गया तो -3 आ गया। अब मैंने आपको कहा था इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को मल्टीप्लाई में लिख दीजिएगा, अगर इसको मैं 2p प्लस में 3 और c वाला पार्ट क्या है -3 -p और इनटू में क्या लिखते हैं 1 -2 यानी -1 का स्क्वायर करेंगे, अभी सीखा था उन्होंने, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, अगर अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आएगा,
2p को 3 से करेंगे कितना आ गया, माइनस का 6p, कितना आ गया माइनस का 6p, फिर इसको करेंगे तो माइनस का 2p स्क्वायर, अब मैं 3 को करूंगा तो माइनस का 3 3 9 और माइनस का 3p इक्वल 1 बच गया। अब आप देखोगे कि यहां माइनस का 2p स्क्वायर ठीक है और माइनस माइनस दोनों ही माइनस के ठीक है, तो ऐड हो जाएंगे 6 और 3 कितने होते हैं 9p और माइनस का कितना आ गया अभी 9 इक्वल में 0 लगा दे, सॉरी 0 नहीं लगाएंगे, अभी इस 1 को मैं इधर लेके आता हूं, इधर लेके आऊं तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, माइनस 9 और माइनस लेके ना 10 हो गया, कितना हो गया अभी 10 हो गया। अब आप देखो कितना होता है इक्वल में, अब 0 लगाएंगे, अब इसमें देखो इस सारे माइनस को यहां से हटा देता हूं मैं, तो माइनस का पूरे में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस ये बनेगा। अब आपके सामने इक्वेशन आ गई है 2p स्क्वायर प्लस 9p प्लस 10 इक्वल में 0 आ गई। अब आप क्या कर सकते हो, याद इसको गुणनखंड विधि से हम सॉल्व कर सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगी 20p स्क्वायर, कितना आ जाए 20p स्क्वायर यानी 20p स्क्वायर, और जोड़े या घटाएं तो 9p आना चाहिए, बात यहीं क्लियर होती है। अब देखो ऐसी संख्या 544 है ठीक है, मैं इसको गुणनखंड विधि से आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। और दूसरा जो मैंने फॉर्मूला बताया था पहले इस वीडियो में, श्री धराचार्य सूत्र जो बोलते हैं उससे भी आप इसको निकाल सकते हो, तो देखो 2p स्क्वायर और प्लस का 5 तो प्लस का 5p और प्लस का 4p और प्लस का कितना आ गया 10 इक्वल में 0। अब आप देखोगे इनको अगर ऐड करता हूं तो 9p आते हैं, अगर मल्टीप्लाई करूंगा 5 चौके 20p स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 20p स्क्वायर यानी इक्वल आते हैं, इन दोनों में कॉमन लेंगे जिसमें p कॉमन आ रहा है, यहां 2p प्लस में कितना बचेगा 5, यहां क्या कॉमन आ रहा है यहां 2 कॉमन आएगा आई थिंक, तो 2p प्लस में 5 इक्वल में 0। अब आप देखोगे यहां p प्लस 2 और यहां बच गया 2p प्लस 5 इक्वल में 0, अब इसको 0 के बराबर लूंगा एक बार इसको 0 के बराबर लूंगा तो इधर तो p की वैल्यू एक बार तो -2 आ गई, अगर इधर करो तो -5/2 आ गई, तो दो वैल्यू अपने पास आ गई है -2 और -5/2 आ गई है, कैसे जब अपनों ने एक मूल उभयनिष्ठ है और इस कंडीशन के हिसाब से किया तो अपना आंसर आ गया -2 -5/2 आ गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं भी आता तो आप एक बार रिपीट करके दोबारा देख लीजिएगा, इस वीडियो को आ जाएगा अच्छे से, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इसके अंदर। ये तो थी जब एक मूल उभयनिष्ठ हो इस तरह से, अब आपको नेक्स्ट तरीका बताता हूं करने का, अगर आपको ये नहीं होता तो एक तरीका और बताऊंगा आपको, वो इससे भी आसान मेरे हिसाब से है अगर आप करना चाहो तो ये तो आपके समझ में आ गया, ये तो कंडीशन के अकॉर्डिंग अपनों ने सॉल्व किया, मिटा देते हैं ठीक है। अब देखो दूसरा तरीका, अपने पास आप देखोगे ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन क्या है सेकंड है। अब आप देख रहे हो कि अगर p की वैल्यू निकालनी है अपने को, इसको भूल जाइए एक मूल उभयनिष्ठ, क्यों भूल जाइए क्योंकि अभी ये कंडीशन तो अपने ने कर ली एक मूल उभयनिष्ठ वाली, अब हम करेंगे दूसरी कंडीशन इसमें मूल वाला कोई काम नहीं रहेगा। अब आप देख रहे हो कि p इस इक्वेशन में है, कौन सी में फर्स्ट सेकंड में p नहीं है ना, यानी p की वैल्यू निकालनी है तो यहां x की वैल्यू रखनी पड़ेगी, सीधी सीधी बात यही है रखनी पड़ेगी। अब यहां पर है ये इक्वेशन, क्या मैं कहीं कैसे तरीके से किसी भी तरीके से x की अगर वैल्यू निकाल लूं तो अपना आंसर आ जाएगा नहीं आ जाएगा p का, आ जाएगा। तो मैं इक्वेशन सेकंड को लेता हूं, यहां इसको सॉल्व करूंगा तो देखो यहां से x²-3x+2 यानी 0 इक्वल में, तो आप जानते हो द्विघात समीकरण बनती है और गुणनखंड से इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा भी? इसको सॉल्व करेंगे तो x² मल्टीप्लाई में 2 आता है और जोड़े और घटाए कितना आता है 3 आता है। आप देखोगे माइनस का 2x और माइनस का x+2 इक्वल में 0, आप देखोगे 2x माइनस का 3x और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x², अभी जो किया था ना वही चीज, अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा x आ जाएगा, यहां बचेगा x-2 और माइनस का यहां कॉमन लूंगा 1 तो x-2 इक्वल में 0, तो x बराबर 1 तो वैल्यू आ रही है भी प्लस की 2 और 1 आ रही है 1, तो दो वैल्यू अपने पास आ गई, x की कितनी आ गई 2 और 1 यानी 2 और 1 अपने पास वैल्यू आ गई, तो x की मैं एक बार 1 रखूंगा इस समीकरण में, एक बार 2 रखूंगा तो अपना आंसर देखो क्या आता है ठीक है।
अब देखो इसके अंदर क्या आंसर आता है, अगर x बराबर मैं 1 रखता हूं इस इक्वेशन में, तो देखोगे यहां 1 आ गया प्लस में p इनटू में 1 प्लस में 1 बराबर 0, यानी p प्लस में 2 आ गया बराबर में 0 और p बराबर क्या आ गया -2। आ गया एक आंसर, ठीक है। अब देखोगे आप x बराबर क्या रखूंगा मैं, यहां 2 रखने वाला हूं, तो यहां क्या हो गया 2 का स्क्वायर प्लस p इनटू में 2 प्लस 1 इक्वल में 0, यहां कितना हो गया 4 हो गया, ये 2p हो गया प्लस v1 बराबर 0, तो p बराबर हो गया -5/2। अब देखो दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, अभी जब मूल उभयनिष्ठ निकाला था तब भी -2 और -5/2 आ रहा था, और मैंने इस तरीके से निकाला तो भी -2 और -5/2। अब आपको कौन सा तरीका करना है, मेरे हिसाब से आपको दोनों तरीके आने चाहिए, क्योंकि रेयर कंडीशन कई बार हो जाती है कि कोई भी तरीका अपने को जल्दी से नहीं आ पाता, तो अगर हमें एक से ज्यादा तरीके अगर पता है करने के क्वेश्चंस, तो हम कर पाएंगे, हर एक तरीके से काम नहीं चलेगा। ये तो थी मूल उभयनिष्ठ की बात, तो सेकंड से मैंने x की वैल्यू निकाली आपके सामने, यहां पुट की और आंसर 2 आ गए, 2 इसी वजह से आएंगे, द्विघात समीकरण है, बार-बार करो 2 ही आंसर है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा, चलिए फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं उसमें क्या कंडीशंस अप्लाई होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, दो इक्वेशंस दे रखी है 2x² + 5x + 6 = 0, 4x² + में 5x + में k = में 0, कह रहा है कि समीकरण के अगर दो मूल उभयनिष्ठ है तो k का मान ज्ञात करो, किसका मान ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है। तो देखो आपको पहले कंडीशन दे रखे है कि दो मूल उभयनिष्ठ, क्या मूल है, दो मूल उभयनिष्ठ है तब हम निकाल सकते हैं। अब आप देखोगे इसको करने का तरीका, अभी अपन ने कंडीशन पढ़ी थी, जब दो मूल उभयनिष्ठ हो तो क्या होता है, a1/a2 इक्वल में b1/b2 इक्वल में c1/c2। आप देखो कि a1 की वैल्यू कितनी है 2 है, a2 की वैल्यू कितनी है 4 है, b1 की वैल्यू 5 है और b2 की वैल्यू भी 5 है, c1 6 है, इसकी k है। तो आप कैसे भी कर सकते हो, या तो इन दोनों को ले लीजिएगा या इन दोनों को ले लीजिएगा, अब फिर देखोगे क्या आंसर आ रहा है क्या, लेकिन आप देखोगे कि ये कंडीशन ये बन रही है 2/4 यानी 1/2 बचेगा, अगर डिवाइड करता हूं तो इसको 1/2 इक्वल में 1 इक्वल में 6/k। अब देखते हो कि ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है, क्या पता है दोनों को बराबर करते हैं हम, तो 1/2 इक्वल में क्या आ गया 6/k, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया k इक्वल में 12। तो ये k की वैल्यू आ गई, बिल्कुल आसान तरीका था, कैसे दो मूल उभयनिष्ठ है तो k का मान बताओ, तो सीधा सीधा कंडीशन अपनों ने अप्लाई की और आंसर अपना निकाल लिया, ये था कांसेप्ट, बिल्कुल आसान। दूसरा तरीका भी इसके अंदर आप कर सकते हो, क्योंकि k का मान तभी आएगा जब x की वैल्यू हम रखेंगे, अभी मैंने किया था, इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालोगे आप, इसमें रखते ही k की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन ये तरीका बेटर रहेगा उससे, क्योंकि इससे जल्दी आंसर आ रहा है, इसलिए मैं वो तरीका नहीं बताऊंगा, आप ऐसे ही कीजिएगा, जब दो मूल उभयनिष्ठ हो तो सीधा सीधा आंसर आपका इक्वल में आ गया k इक्वल 12। आया समझ में क्वेश्चन, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है तो हमें कमेंट जरूर करके बताइएगा कि कहां दिक्कत आ रही है। चलिए फिर एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, यदि ax² + bx + c एक इक्वेशन हमें दे रखी है, कह रहा है कि के मूल अल्फा और बीटा है, वह द्विघात समीकरण हमें ज्ञात करनी है जिसके मूल अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। अब आप एक बात सोचो, आप प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताई थी, जब द्विघात समीकरण हमें ज्ञात करते हैं तो हमें मूल चाहिए, और मूल हमें दे रखे हैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर दे रखे हैं, ठीक है। अब द्विघात समीकरण निकालने का क्या फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला था, x² - α + β और x + α β, यही था, यानी मूलों का योग और मूलों का गुणा, लेकिन हमें तो मूल दे रखे हैं, तो मूलों का योग निकालेंगे सबसे पहले, क्या निकालोगे, मूलों का योग मतलब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालना अपने को, तो देखो अल्फा स्क्वायर और प्लस में बीटा स्क्वायर आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, कोई कंडीशन आपके पास नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप देख रहे हो कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है तो कैसे, एक चीज आपने नोटिस की होगी कि a प्लस बी का फॉर्मूला आपको अगर याद है तो a² + b² + 2ab ये होता है। अब मैं अल्फा बीटा मान लेता हूं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा। अब देख तो क्या चाहिए आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, इसमें से क्या माइनस कर दूं, इसको माइनस कर दूं अपना आंसर आ जाएगा, तो यानी क्या आ गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस में बीटा की होल पावर और माइनस से मैं क्या कर दूं 2 अल्फा बीटा। देखो आपको अलग से कुछ याद नहीं करना पड़ा,
अलग से याद नहीं करना पड़ा, ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप कर दोगे, सिर्फ ए की जगह मैंने अल्फा बीटा ही लिखे हैं। ठीक है, ये बात आगे समझ में। अब दूसरा क्या चाहिए, मूलों का गुणा चाहिए, यानी अल्फा बीटा का। तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर मूलों को स्क्वायर दे रखा है, इसलिए हम अल्फा बीटा नहीं लिख रहे। तो मूलों गुणा क्या था, सी बटा ए होता है। जब अल्फा बीटा का सी बटा ए होता है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का भी क्या होगा, सी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर होगा। तो मैं इसके ऊपर सी स्क्वायर ये रखा था। आई बात समझ में? ठीक है, आ भी रही होगी आपको। दोनों चीज अपने पास आ गई है, मूलों का योग आ गया, मूलों का गुणा आ गया। सीधा सीधा मैं इसमें रख देता हूँ, रख दे फिर। देखो फिर इसके अंदर अगर हम रखें तो क्या आता, देखो एक्स स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू कितनी आ गई, योग इसकी वैल्यू आ गई ये अल्फा प्लस में बीटा की स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा और पूरे के साथ एक्स प्लस में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या आ गई, सी स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर इक्वल में जीरो। या तो आप यहीं तक छोड़ दीजिए, ऑप्शन चेक करना कि ऑप्शन में कहां दे रखा है, आगे भी कुछ और दे रखा है तो आप क्या करोगे, इसके अंदर आप और एक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और अपना आंसर और आ जाएगा। ये चीज आपको चेक करने ऑप्शन में कि कहां तक सोल्व करके दे रखा है अपने को, ये इक्वेशंस आ गई है और इससे ज्यादा अगर कुछ दे रखा है तो कुछ नहीं करना। यहां से ए स्क्वायर हटाया होगा तो पूरे में ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो है सिंप्लीफाई करना। आगे ऑप्शन में चेक करेंगे कि आप आंसर यही दिया हो, यही दे दें तो अपना आंसर ये सही है बिल्कुल। आगे सोल्व करके देना है तो कुछ नहीं करना है, इसका आगे अंदर मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। तो आई बात समझ में? ये थे द्विघात समीकरण के रूल्स, कंडीशंस, प्रॉपर्टीज, कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ जो प्रीवियस एग्जाम एलडीसी ही में आए हुए हैं और अदरवाइज जिस एग्जाम में आए हुए हैं उन सबसे मैं क्वेश्चन आपके लेके आऊंगा और उनको हम सोल्व करेंगे अच्छे तरीके से। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर तो हमें कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।